हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी ऐसा काम जो वर्तमान में पूरा हो चुका है। हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की पहचान हिंदी वाक्यों में कैसे करें। अभी मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप किसी भी सेंटेंस को देखते के साथ पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर चुका है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, चुका हूँ, यानी जब कोई चीज़ या फिर कोई काम हो चुका हो, तो हमें समझ जाना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते कब है। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इस टेंस का प्रयोग वैसे क्रियाओं के लिए होता है जो भूतकाल में हुआ हो, यानी जो पहले हो चुका हो, या फिर हाल में ही हुआ हो, या फिर अभी अभी हुआ हो, या कुछ देर पहले हुआ हो, या फिर कभी नज़दीक में हुआ हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ही हैज़ टोल्ड मी एवरीथिंग। हमारा सेकेंड पॉइंट यह है, इस टेंस का प्रयोग वैसे क्रियाओं के लिए भी होता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, या फिर अभी तुरंत समाप्त हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने तुम्हें देख लिया है, ही हैज़ सीन यू। हो सकता है वो अभी भी देख रहा हो, तो इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको हैज़ और हैव में कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स। मैंने चाय ले लिया है, आई हैव टेकन टी, जिसमें सब्जेक्ट है हमारा आई प्लस हैव, वर्ब 3 हमारा है टेकन और ऑब्जेक्ट है हमारा टी। उसी तरह हम दूसरे एग्जांपल को भी देखेंगे, मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम। इसी तरह और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वह चले गए हैं, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। तुमने इसे किया है, You have done it, you have done it। मैंने उसे कह दिया है, I have told him, I have told him। मैंने फॉर्म भर दिया है, I have filled the form। मैंने उसे देखा है, I have seen him, I have seen him। चलते हैं सेकेंड टाइप की ओर, जो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही है, बस इसमें हम वर्ब 3 के आगे नॉट को ऐड करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़, मैंने चाय नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन टी। इसमें सब्जेक्ट है हमारा आई प्लस हैव प्लस नॉट प्लस टेकन, जो कि टेक का थर्ड फॉर्म है, प्लस टी जो कि ऑब्जेक्ट है, आई हैव नॉट टेकन टी। उसी तरह मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू। उसने कुछ नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। वह आज नहीं आया है, He has not come today। उसने पैसा नहीं दिया है, She has not given money। राहुल नहीं आया है, राहुल has not come। चलते हमारे थर्ड टाइप की ओर, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें हाँ या ना में देना हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्या वे लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन। क्या आपने मुझे बुलाया? हैव यू कॉल्ड मी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपने सेंटेंसेस खुद बनाओगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या वे लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन। हैव दे गॉन। क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली। हैव यू गॉन टू दिल्ली। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने मुझे बुलाया है? हैव यू कॉल्ड मी। हैव यू कॉल्ड मी। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा लास्ट टाइप जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंट्रोगेटिव की ही तरह है, बस इसमें हम हैज़ हैव के आगे WH वर्ड्स जोड़ते हैं, और इसका रीज़न यह है कि इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं जिनका आंसर हमें डिटेल में देना हो। अभी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। उसने क्या कहा? व्हाट हैज़ ही टोल्ड। इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें डिटेल में ही आंसर बताना होता है। उसी तरह मोहन कहाँ गया है? वेयर हैज़ मोहन गॉन। इसमें आपको बताना होगा कि मोहन कहाँ गया है, आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। आपने यह कैसे सोच लिया? हाउ हैव यू थॉट दिस। आपने मेरी मदद क्यों की है? वाई हैव यू हेल्प्ड मी। सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? What has the government done for us? तुमने खाना क्यों नहीं बनाया है? Why have you not cooked food? उसने क्या किया है? What has he done? उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।